हेलो दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पानी की मोटर के बारे में। ये दोस्तों, हमारे पास 1 HP पानी की मोटर है जो क्या दोस्तों चल नहीं रही है। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि ये क्या कारण है, वाइंडिंग जली हुई है या दोस्तों बेयरिंग जो ख़राब है। तो दोस्तों, हम पूरी देखेंगे। हम दोस्तों इसको जो पानी की मोटर को क्या है, 3-4 महीने से नो यूज़ होने के कारण दोस्तों ये मोटर है, अब दोस्तों हमने चलाई तो ये चल नहीं रही है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले इसको मोटर को सप्लाई देंगे और देखेंगे कि क्या कारण है। दोस्तों, ये मैंने एक वायर इसमें जोड़ दी है और अब इसको दोस्तों दूसरी जो वायर है उसको हम इसमें टच करेंगे। ये दोस्तों आपको सुनाई दे रहा होगा, इसमें आवाज़ आ रही है मोटर में, परंतु ये मोटर है दोस्तों वो क्या है, चल नहीं रही है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि मोटर की जो वाइंडिंग है वो तो बिल्कुल ओके लग रही है, परंतु दोस्तों चल नहीं रही है। इसका कारण दोस्तों ये है, मोटर का जाम होना, यानी दोस्तों ये जो सॉफ्ट है इसकी जाम हो चुकी है। तो दोस्तों, इसके जो जाम होने के क्या क्या कारण है, इसके जो जाम होने के दोस्तों दो कारण हो सकते हैं मेन। पहला कारण दोस्तों ये, इसका जो बैरिंग है वो क्या है, काफ़ी जो नो यूज काफ़ी समय से पड़े रहने के कारण दोस्तों क्या है, बैरिंग है वो अंदर से क्या है, इसका जो ग्रीस सूखने के कारण ये बैरिंग जाम हो जाते हैं। और यह दूसरा दोस्तों कारण है, जो इसके अंदर जो आगे जो पंप में इंपेलर लगा होता है, ये इसमें बालू रेत जाने के कारण दोस्तों क्या है, इसके पंप के अंदर जो पानी और जो बालू रेत के कारण दोस्तों अंदर जो क्या, इसके अंदर जंगाल लग जाता है, तो जिस कारण दोस्तों क्या है, ये पड़ी पड़ी जाम होने लग जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि जो इसका जो पंप है इसमें पानी डालेंगे, पानी डालेंगे और उसका दोस्तों, क्योंकि दोस्तों क्या है कि जो पानी डालेंगे तो क्या है, हो सकता है जो इसका जंगाल है वैसे ही चला जाए, थोड़ा इसका जाम है वो खुल जाए। तो दोस्तों, हम इसमें पानी डालते हैं, इसके दोस्तों पंप तक पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। दोस्तों, हमने पानी डाला है, अब इसको 1-2 मिनट तक दोस्तों वैसे ही पड़ी रहने देना है और बाद में देखेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसके जो ये जो दोस्तों नॉर्मल नुस्खा है आपको मैं बता रहा हूँ, जो दोस्तों घरेलू नुस्खा है, आप घरेलू इसमें इसे यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों पानी डाले 2 मिनट हो चुके हैं, अब तो दोस्तों अब क्या करना है हमें, दोस्तों जो हैमर है इससे दोस्तों क्या, इसका जो कवर है दोस्तों उसको भी थोड़ा ठरकाना है। इससे क्या है दोस्तों, जो कई बार जो इसके अंदर रोटर होता है वो भी जाम हो जाता है, और रोटर क्या है थोड़ा बहुत सेट हो जाएगा इसके अंदर। या दोस्तों फिर भी मान लो जाम नहीं खुलता, तो दोस्तों थोड़ा थोड़ा इसको क्या है, इसकी जो सॉफ्ट है इसको यहाँ से थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा ठरकाएंगे। ठरकाने के कारण दोस्तों क्या, जो इसके अंदर इम्पेलर है वो क्या है, हिलने डुलने लग जाएगा इसका इम्पेलर, हो सकता है इसको थोड़ा ठरकाना भी है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो है ये प्लायर है, प्लायर से दोस्तों इसकी जो सॉफ्ट है इसको पकड़ कर दोस्तों क्या करेंगे, सॉफ्ट को पकड़ कर थोड़ा थोड़ा हम घुमाएंगे। घुमाने के कारण दोस्तों ये थोड़ा थोड़ा हिल रहा है इसका सॉफ्ट है, तो इसका मतलब ये है जो पानी डालने से हमारा काम चल जाएगा। ये दोस्तों क्या है, थोड़ा थोड़ा हिलने लग गया है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सिंपल नुस्खा है, आप दोस्तों इसको घर पे यूज करके दोस्तों कर सकते हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, तो ये दोस्तों क्या है, सॉफ्ट पूरी तरह से घूमने लग गई है। तो इसका मतलब दोस्तों जो हमारा बैरिंग था वो तो बिल्कुल ठीक था, और जो अंदर जो दोस्तों इसका इंपेलर है उसके अंदर दोस्तों क्या है, हमारा जो काफ़ी समय से यूज नहीं होने के कारण दोस्तों के इंपेलर में जो है जंगाल थोड़ा थोड़ा लग गया था, और जो बालू है अंदर जम गया था, ये कारण था मेन लगता है। अब दोस्तों ये जो सॉफ्ट है वो आपके सामने घूमने लग गई है, इसलिए दोस्तों क्या है, कंपनी से हम जब मोटर लाते हैं तो कंपनी वाले भी ये कहते हैं कि डेली लगभग यूज़ करना चाहिए मोटर को, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो मिट्टी है वो क्या जमा हो जाती है। मिट्टी जमा होने के कारण दोस्तों क्या है, तो क्या है कि जो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्या जंगाल पकड़ने लग जाती है। दोस्तों सॉफ्ट है वो, घूम रही है। तो अब दोस्तों क्या है, इसको सप्लाई देंगे दोबारा और देखेंगे दोस्तों ये जो मोटर है वो चल रही है या नहीं चल रही है। वायर लगा के देख रहा हूँ, तो दोस्तों ये मोटर है वो चल चुकी है। तो दोस्तों इसके अंदर जो पानी था वो भी दोस्तों क्या है, बाहर आ चुका है। इसी तरीके से दोस्तों आप भी घर पे दोस्तों जो मोटर है इसको चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके सामने है ये मोटर पूरी तरह से चल चुकी है, काफ़ी अच्छे तरीके से दोस्तों काम कर रही है दोस्तों मोटर, आप देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों इस तरह से ये तो मोटर है वो चल चुकी है, जो मैंने पानी डाला था वो भी दोस्तों क्या है, बाहर आ रहा है। दोस्तों आप इस तरीके से क्या है, घर पे भी दोस्तों क्या है, नुस्खा यूज करके दोस्तों आप जो मोटर का जाम है वो खोल सकते हैं। तो दोस्तों यदि मान लो फिर भी थोड़े मोट मान लो दिक्कत हो रही होती है, या मान लो ये जो जाम नहीं खुले, तो दोस्तों आप क्या यहाँ पे जो जो साइड में दोस्तों यहाँ पे जो ऑयल भी डाल सकते हैं,
ये दोस्तों यहाँ पे जो है ना, ये साइड में ऑयल डाल सकते हैं, ऑयल डाल के भी दोस्तों, और ये दोस्तों यहाँ पे ऑयल डाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों काफ़ी पूरा समय होने के कारण दोस्तों क्या है, जो मोटर में जो बैरिंग है वो भी थोड़े थोड़े जाम हो सकते हैं। तो दोस्तों क्या है, ये जो घरेलू नुस्खा है आप इसको यूज़ करके दोस्तों ये जो मोटर का जाम है वो खोल सकते हैं आप। नहीं दोस्तों, आपको मोटर को खोलने की ज़रूरत है, आप घर पे ही इस नुस्खे को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के हम वीडियो है और भी लेकर आते रहेंगे। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो ऊपर बेल आइकन है उस पर प्रेस करें, ताकि दोस्तों जो आने वाले वीडियो है वो भी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों आज के वीडियो से रिलेटिव यदि कोई क्वेश्चन हो आपके मन में, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आपको जो जवाब है कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।